रजौन प्रखंड अंतर्गत पुनसिया बाजार में दो कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर सोमवार को अंचलाधिकारी नीलेश चौरसिया व पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार की मौजूदगी में पुनसिया में जिस घर में कोरोना पॉजिटिव मिला था उस घर को सील कर दिया गया है। एक ही घर के एक महिला और एक पुरुष में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उक्त जगह पर महिला व व्यक्ति का सैंपल पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद दोनों को बांका के लकड़ी कोला आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। वहीं सोमवार को उक्त घर को रजौन प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। घर के आसपास के खुले दुकान को 14 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। रजौन प्रशासन ने यहां के रहने वाले लोगों से अपील की है कि सभी मास्क पहने, नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। किसी में भी लक्षण दिखाई पड़े तो जल्द स्थानीय प्रशासन को खबर करें। मौके पर अंचलाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर के अलावे रजौन स्वास्थ्य प्रबंधक राजेश रंजन, प्रतिनिधि व सुरक्षा बल मौजूद थे। बांका जिला के नवादा थाना क्षेत्र के महागमो हरनामोर के समीप नवादा थाना अध्यक्ष मोहम्मद नसीम खान के द्वारा चलाई गई वाहन चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार तीन युवक को गिरफ्तार किया गया। युवकों की तलाशी के दौरान युवकों के पास से दो देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, दो मोबाइल एवं एक बाइक जब्त किया गया है। गिरफ्तार युवक नवादा थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव निवासी शंकर सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह एवं धनंजय कुमार बताया गया। मामले को लेकर बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने बताया कि पदमपुर गाँव के पप्पू सिंह जगदीशपुर थाना क्षेत्र के रूपौली गाँव निवासी रविन्द्र सिंह के साथ महगमा और कोतवाली के बीच रात्रि में ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट की योजना बनाई गई थी। इस घटना को अंजाम देने के लिए रविंद्र सिंह के साथ हथियार लेकर बाइक से निकले थे। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नवादा थाना अध्यक्ष के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बाइक पर सवार तीनों युवक पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश करने लगे, जिसे खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया गया। फरार दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही फरार दोनों अभियुक्तों सलाखों के पीछे होंगे। की प्रक्रिया अपराध नियंत्रण के लिए लगातार चल रही है। इसी क्रम में कल दिन में सूचना प्राप्त हुई कि भागलपुर का जगदीशपुर का एक कुख्यात और फरारी अपराधी रविंद्र यादव हमारे क्षेत्र में, रविंद्र सिंह क्षेत्र में है और कुछ अपराधी घटना को अंजाम देने वाला है। इसी आलोक में नवादा थाना क्षेत्र को विशेष रूप से अलर्ट किया गया, क्योंकि लोकेशन उसके नवादा क्षेत्र में ही आने की सूचना मिल रही थी। इस आलोक में छापेमारी करते हुए सघन तलाशी शुरू किया गया। सघन वाहन जांच के दौरान दो लोग वाहन से नजर आए, दो वाहन पे उसको पकड़ा गया, पकड़ने की कोशिश किया गया तो एक वाहन पे दो लोग फरार हो गए, तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए व्यक्ति के पास से दो लोडेड देशी कट्टा मिला, उन लोगों ने स्वीकार किया। रविंद्र सिंह जो अपराधी है उसी के लिए ये लोग काम कर रहे थे और किसी बड़ी अपराधी घटना को कारित करने की योजना थी। पंजवारा पुलिस ने शराब माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए लगातार दूसरे दिन रविवार की रात्रि भी शराब बरामद करने में सफलता पाई है। और पंजवारा बरहाट मुख्य मार्ग पर बसोनी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान रॉयल स्टेक ब्रांड का एक पेटी देसी शराब के साथ दो बाइक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए तस्कर विष्णु कुमार और विकास कुमार बरहाट थाना क्षेत्र कोरैया गांव का रहने वाला है, जो झारखंड सिकटिया स्थित शराब दुकान से शराब की खेप लेकर पुनसिया पहुँचने जा रहा था। इसके एवज में उसे एक निश्चित रकम दी गई थी। तभी बसोनी मोड़ के पास पुलिस जांच में पकड़ा गया। थानाध्यक्ष मुरलीसा ने बताया कि घटनाओं में प्रतियुक्त बाइक को जब्त कर लिया गया है, गिरफ्तार तस्कर पर केस दर्ज कर लिया गया है। दोनों शराब तस्कर को सोमवार को पुलिस अभिरक्षा में बांका भेज दिया गया। विधायक रामदेव यादव प्रखंड क्षेत्र के तेलिया पहाड़ पंचायत के विभिन्न गाँव का भ्रमण कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। विधायक ने प्रवचक, आमाटीकर, तेलियामोर, कुराबा, नोगाएं, नगड्डी एवं सुरहा सहित अन्य गांव की समस्याओं से अवगत हुए। ग्रामीणों ने आमाटीकर में एक विद्यालय की स्वीकृति दिलाने, तेलिया में हल्की हवा एवं वर्षा में घंटों बिजली गुल रहने एवं अनुदानित दर पर मिलने वाली बीज बाजार से मांगा होने की समस्या का निदान निकालने के लिए गुहार लगाई। वहीं विधायक ने मौजा तेलिया के केथा बिहार में स्टेट बोरिंग की अनुशंसा कर तत्काल समाधान करने का निर्देश विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया। नौगाय में साधपुर पंचायत के उपमुखिया बाबू लाल मरंडी ने बीजेपी छोड़कर राजद ज्वाइन करने पर विधायक ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर विधायक ने कहा कि वे समस्याओं का समाधान के लिए लगातार लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई सड़क टेंडर की स्थिति में पहुँच गए हैं। फुली डूमर प्रखंड में एक भी गांव या टोला सड़क से वंचित नहीं रहेगा। उनके साथ प्रखंड राजद अध्यक्ष
परमानंद मंडल महामंत्री अमरेंद्र कुमार यादव, अनिल राय, अनिरुद्ध भगत, अशोक देव, रणधीर महाराणा, शैलेंद्र कुमार, विवेकानंद मौंजी, राहुल रंजन, बंटी कुमार, पवन यादव, मदन कुमार, जयकिशोर यादव, सीताराम यादव, विनय कुमार, बागेश्वरी सिंह, पूर्व मुखिया मंजू देवी, सोनो कुमार, देवेंद्र कुमार, संजय कुमार, पंकज सिंह आदि उपस्थित थे। हर प्रखंड में मैं सघन दौरा कर रहा हूँ और आम जनता से रूबरू हो रहा हूँ, उनकी जन समस्या को सुन रहा हूँ और उनके निदान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बिहार सरकार को, जिलाधिकारी को, डीडीसी को, तमाम विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को, बिजली विभाग को, जल संसाधन विभाग को, कृषि विभाग को, सभी विकास कार्य को गति लाने के लिए मैं उन पर दबाव बना रहा हूं और पूरे क्षेत्र में, बेलहर विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र में विकास के लिए जो आवश्यक काम है उस पर हम तत्पर हैं। और पिछले बार यहाँ के जनता ने उपचुनाव में हमें 25,000 से ऊपर वोटों से जिताने का काम किया। सभी जात धर्म और संप्रदाय के लोगों ने मेरा समर्थन किया। इसके लिए बेलहर विधानसभा के आम जनता को, आम नागरिकों को मैं बधाई देता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि फुली डुमर प्रखंड का एक एक गांव विकास के गति में तीव्र गति लाया जाएगा। इसके लिए आवश्यक पहल मैं कर रहा हूँ। 50 ऐसे सड़क जो ग्राम संपर्क योजना में जुड़ा हुआ नहीं था उसको ग्राम संपर्क योजना में जोड़ करके और उसका मैं स्वीकृति दिला चुका हूँ और उसका DPR बन रहा है और उसका DPR बनने के बाद उन सभी गाँव को संपर्कता प्रदान करते हुए उन गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्यक्रम है। और उसका जो गांव है उन सभी गांवों को जोड़ने का, अभी मैं पथाएँ गांव गया था और मैं पथाएँ से बालादेव इटहरी होते हुए फुली डुमर तक सड़क बनाने का मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसको हम प्राप्त कर लिए हैं, उसकी स्वीकृति मिल गई है और कल अखबार में आप पढ़ लेंगे कि हम कितने सड़क को मुख्यमंत्री संपर्कता योजना में जोड़ने का काम किया हूँ। बांका नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के पास जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया तथा प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने कहा कि डीजल पेट्रोल का दाम भाजपा समर्पित केंद्र में इतना बढ़ गया है कि गरीब किसान अपनी खेती भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तथा आत्महत्या करने को विवश हैं। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में कांग्रेस के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, प्रमोद सिंह वेल्डन, महेश्वर यादव, अजय सिंह तथा सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। नाली निर्माण को लेकर दो पक्षों में हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति विष्णु दास की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं उसका भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गया है जिसका इलाज बेलहर स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घटना बेलहर थाना क्षेत्र के भगवानपुर बोका की है। घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है कि पंचायत स्तर पर हो रहे नाले निर्माण को लेकर एक पक्ष गंदगी से बचने के लिए नाला निर्माण करवाना चाह रहा था, वहीं दूसरे पक्ष अपने घर के आगे नाला नहीं बनने देना चाह रहा था। इसी बीच में विष्णु दास और अमीर दास के पक्ष में पहले हाथापाई हुई जो लाठी डंडा से होते हुए कुल्हाड़ी तक आ गई। पहले अमीर दास सहित कुछ लोग विष्णु दास और उसके भाई पर लाठी डंडा से प्रहार करते हुए कुल्हाड़ी से विष्णु दास पर प्रहार करके हत्या कर दी गई। घटनाओं की जानकारी मिलते ही बेलहर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। वहीं 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थानाध्यक्ष विनोद कुमार मामले की जांच करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। रजौन प्रखंड स्थित रौनी टिकट जय माता दी खेल मैदान पर चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता सोमवार को धूमधाम से समापन हो गया। फाइनल में भागलपुर बादशाह 11 की टीम ने अमरपुर मोहता की क्रिकेट टीम को परास्त कर दिया। IPL मैच की तहरीज पर रौनी टिकर खेल मैदान पर क्रिकेट मैच के दौरान जैसे ही कोई छक्का या चौका लगाते वैसे ही चीयर लीडर्स डांस करके वहां आए दर्शकों का मनोरंजन कर रही थी। सोमवार को फाइनल मैच अमरपुर मोहता टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 13.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 130
रनों का लक्ष्य रखा। भागलपुर बादशाह 11 की टीम ने स्कोर का पीछा करते हुए 11 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर शील्ड पर कब्जा जमा लिया। विजेता टीम के कप्तान प्रशांत शर्मा को समाजसेवी अनुज यादव ने 8000 रुपये देकर सम्मानित किया। वहीं उप विजेता टीम के कप्तान गुलशन कुमार को समाजसेवी कुंज बिहारी यादव के द्वारा 5000 रुपये की नगद राशि दी गई। विजेता टीम के कप्तान प्रशांत शर्मा को समाजसेवी लड्डू प्रताप सिंह के द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गई। आज के मैन ऑफ द मैच व मैन ऑफ द सीरीज 63 रन बनाने वाले बिहारी को दिया गया। आज के मैच के स्कोरर कमल किशोर यादव व कमेंटेटर गौरी शंकर सिंह, विकास यादव, राहुल यादव कर रहे थे। मौके पर मंतेश सिंह, गुरुजी प्रफुल्ल यादव, वासुदेव यादव, पप्पू यादव, संतलाल यादव, ग्रामीण वासु मौजूद थे। मैच को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे।